कि तो दोस्तों आज आज की की वीडियो वीडियो में में वही वही क्वेश्चन क्वेश्चन रखे रखे गए गए हैं हैं जो जो एग्जाम एग्जाम में में पूछे पूछे जाते जाते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? और और ऐसी ऐसी ट्रिक ट्रिक बताऊंगा बताऊंगा दोस्तों, दोस्तों, आपने आपने एक एक बार बार ये ये वीडियो वीडियो पूरा पूरा देख देख लिया लिया तो तो इस इस ट्रिक ट्रिक को को आप आप कभी कभी नहीं नहीं भूल भूल सकते, सकते, ठीक ठीक है? है? एक एक बार बार इस इस वीडियो वीडियो को को पूरा पूरा देख देख लीजिए। लीजिए। टाइम, टाइम, स्पीड स्पीड और और डिस्टेंस डिस्टेंस के के जिन जिन प्रश्नों प्रश्नों की की आपको आपको तलाश तलाश थी थी वो वो प्रश्न प्रश्न मैंने मैंने इस इस वीडियो वीडियो में में रख रख दिए दिए हैं, हैं, क्लियर क्लियर है? है? तो तो चलिए चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका, आपका, एक एक आदमी आदमी वास्तविक वास्तविक चाल चाल की की 6/7 चाल से से चलता चलता है है तो तो 12 मिनट12 मिनट लेट लेट हो हो जाता जाता है, है, तो तो दूरी दूरी तय तय करने करने में में वास्तविक वास्तविक समय समय ज्ञात ज्ञात करें। करें। हमको हमको दोस्तों दोस्तों क्या क्या ज्ञात ज्ञात करना करना है? है? समय। समय। ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन जब जब भी भी दे दे दिया दिया जाए जाए दोस्तों, दोस्तों, घबराना घबराना नहीं नहीं है। है। 2 सेकंड का दो सेकंड क्वेश्चन का है, क्वेश्चन सिर्फ है, सिर्फ 2 सेकंड 2 सेकंड का। का। कैसे? कैसे? यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या दिया दिया गया गया है? है? 12 मिनट12 मिनट लेट लेट हो हो जाता जाता है, है, इस इस 12 12 को को रख रख देना देना है। है। जितने जितने मिनट मिनट लेट लेट हो हो जाता जाता है है उतना उतना समय समय रख रख दीजिए। दीजिए। यहाँ यहाँ पर पर क्या क्या दिया दिया गया गया है? है? चाल चाल 6/7 दिया गया है, क्लियर है? जो हमें लेट था वो रख दिया, मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रख दीजिए। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है ना, तो बटे में एक रख दीजिए। बस समझ में आ रही है दोस्तों बात? जितना लेट है उतना रख दो, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रख दो, और नीचे वाली संख्या जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा रख दो। सिर्फ एक ज्यादा है तो एक रख देंगे। अगर नीचे वाली संख्या यहाँ पर 8 होती तो 6 से कितना ज्यादा होती? 2 ज्यादा होती, तो नीचे 2 रख देते। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब 12 का कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 12 × 6 = 72। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर, 12 × 6 = 72 मिनट। कितना समय है? उस समय ही तो पूछा गया दोस्तों। दूरी तय करने में वास्तविक समय हमें ज्ञात करना था, तो वास्तविक समय क्या है? 72 मिनट का। तो 72 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट ही तो होता है, तो 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा दोस्तों? मैंने क्या बताया? जितने मिनट देरी से चलता है वो लिख लीजिए। यहां पर क्या है? 20 मिनट, 20 लिख लेंगे। यहां पर कितना दे रखा है? 1.1/2, 1.1/2। इसको जब हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या मैंने क्या कहा? ऐसे ही रख दीजिए, 3 है ऊपर वाली संख्या, 3 रख दीजिए। अब नीचे वाली संख्या कम है या ज्यादा? नीचे वाली संख्या दोस्तों 1 कम है, जितना कम है उतना रख देंगे। 1 कम है तो 1 रख दीजिए, 2 कम होती तो 2 रख देते नीचे, 3 कम होती तो 3 रख देंगे। जितनी ज्यादा हुई उतनी रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा दी गई थी, 1 ज्यादा दी गई थी तो 1 रख दिया था, यहाँ पर 1 कम है तो 1 रख देंगे। बस आगे आपका आंसर 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कितना हो जाएगा? 60 मिनट, क्लियर है? क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। पिछले क्वेश्चन में यदि किसी को डाउट था तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या आपको ऐसे ही रख देनी है, नीचे वाली संख्या कितना कम है? 1 कम है तो 1 रख देंगे। अगर नीचे वाली संख्या 1 ज्यादा होती, 4 होती तो 1 ज्यादा होती, तो यहाँ पर फिर भी 1 रखते हम। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय करेगा? यहां पर क्या दे रखा? 25 मिनट अधिक समय लेता है। कितना? 25 मिनट गुना, यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों? 6/7, ऊपर वाली संख्या मैंने क्या कहा? ऐसे ही रखनी है। नीचे वाली संख्या कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो 1 रख देंगे, 2 ज्यादा होती तो 2 रख देते दोस्तों, 3 ज्यादा होती तो 3 रख देते। बात समझ में आ रही है? अगर नीचे वाली संख्या कम होगी तो जितनी कम होगी उतनी रख देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्लियर है? अब 25 का कर दो 6 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 6×5 = 30, 30 का 0 कैरी का 3 रहेगा, 6×2 = 12, कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 150 मिनट हो गया आपका सही आंसर। अब 150 मिनट को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? 2.5 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा हो गया आपका सही मिनट, ठीक है दोस्तों?